आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी के रडार पर अतीक के बेटों की संपत्ति है। उमर और अली की संपत्तियां तलाश रही है ईडी। दोनों बेटे संभाल रहे थे अतीक का काला साम्राज्य। प्रॉपर्टी डीलर करीब कारोबारियों से वसूलते थे रंगदारी। शुरुआती जांच में ईडी के हाथ लगे अहम सबूत। कई संपत्ति के साथ करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। जेल में बंद है अतीक के बेटे अली और उमर। गोफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईडी का शिकंजा और भी कसता दिखाई दे रहा है गोफरान। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जांच है ईडी कर रही है, इसी दरमियान ईडी को अतीक के दोनों बेटों के खिलाफ भी तमाम जो अहम सबूत हैं, जो सुराग हैं वो लगे हैं। उसी को लेकर के माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों बेटों पर भी ईडी का जो शिकंजा है वो कसेगा, क्योंकि दोनों ने जो संपत्तियां हैं अतीक का जो वायद साम्राज्य है उसको कहीं ना कहीं से संभालने में जेल के बाहर रहते समय मदद कर रहे थे। साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों के साथ भी लेन देन के मामलों में शामिल रहे हैं। इस तरीके की तमाम जानकारियां दस्तावेजों के आधार से ईडी को मिले हैं और अब माना जा रहा है कि दोनों बेटों पर भी शिकंजा जो है वो ईडी से कसेगा। उमर जो है लखनऊ जेल में बंद है, अली नैनी जेल में बंद है। इनसे पूछताछ भी ईडी कर सकती है। इसके पहले जो विधिक प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी गुफरान बता रहे थे ईडी के रडार पर अतीक